उस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। खुद इसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। खुद नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी है। और कुछ दिनों से बड़ा परेशान हूं मैं, खुद के लिए भी अनजान हूं मैं। हर दिन हर रात खामोश रहता हूं, कभी कभी तो लगता है एक कब्रिस्तान हूं मैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्लाइंग झाजी एंड टुडेज ब्लॉग टाइटल विलेज लाइफ ऑफ बिहार इन लॉकडाउन पीरियड। क्या फिर से सदी के बीत जाने पे होगी यही भयावह स्थिति? क्या फिर से इतिहास से सिखलाने आएगी मानवों की कोई ऐसे ही महामारी? क्या कुदरत हम इंसानों से फिर से ये पूछने आएगा कि आपदा की तैयारी है या नहीं? क्या एकता में बल है कि नहीं, यह याद दिलाने के लिए हमें वही 100 साल पुरानी कहानियों को दोहराना पड़ेगा? क्या फिर से इस सदी के बीत जाने के बाद कुदरत मानवों को फिर से उसकी बेवसी का एहसास दिलाएगा? ये सारे सवालात हम में से लाखों हजारों के जहन में हैं। हम कहें या ना कहें, बोले या ना बोले, पर ये महामारी के बेस में कुदरत जो इम्तिहान ले रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भावुक बेवस इंसान रहम की दुआ मांगते नहीं थक रहा। कई वादे जो लोगों ने किए थे उनके पूरे होने का इंतजार करते हैं, इस महामारी के चपेट में आ गया। पहले जैसी रौनक नहीं दिखती बाजारों में, सब जगह खाली खाली लगता है। लोग शहरों से लौटकर गांव की ओर आ रहे हैं, वही लोग जो पहले बड़े महानगरों में मजदूर और अब वक्त के हाथों मजबूर हैं। कंधे पे गरीबी का बोझ लिए मीलों का सफर तय कर जब वो अपने गांव की तरफ आते हैं तो फसलों को लहलाते देख इन मजदूरों के दिल में भी फिर से एक नई उम्मीद की किरण जगती है। जहाँ एक ओर महानगरों में उनकी चीख भी ट्रैफिक आवाज में दब जाती है, वही दूसरी ओर गांव की शांति उनका सिसकना भी कई दिलों पे घर कर जाता है। सड़क गलियां सब सूनी हैं,
तुम्हारी राह तक रही है। तुम मजदूर थे, गरीब थे, पर अपनों के लिए तो नहीं ना। ये गांव तुम्हारा रास्ता देख रही है, तुमसे कह रही है कि आ जाओ। अब कोई नहीं है वहां तुम्हारे उस बेगाने शहर में। ये पंछी, ये जानवर, ये सूखे पत्ते, ये हमारे गांव की टूटी सड़कें, सब तुम्हारे बारे में पूछती है। यहाँ कम कमाना लेकिन खुशहाल रहना, खाने के लिए तुमको वो चूल्हे व डोली भी मिलेंगे, क्योंकि गांव भी यहाँ थोड़ी तरक्की कर रही है। लेकिन उसे खा के कहीं तुम बीमार तो ना पड़ जाओगे, ये सोचने के लिए तुम्हारे अपने भी मिलेंगे। यहाँ आज भी तुम्हारे देश में तुम्हारे लोग तुमको अपने साथ प्यार से सूखी रोटी खिलाएंगे। शायद तुम्हें यहाँ सोने के लिए मखमल का गद्दा तो ना मिले, पर तुम्हारी झोपड़ी का वो टूटा खाट अब भी तुम्हारी राह तक रही है। आ जाओ, कहाँ चले गए? ये महामारी किसी को नहीं छोड़ रही है, बूढ़े बच्चे औरतों किसी में भेद नहीं कर रही है।